हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का PBR स्टडी में। दोस्तों, आज आप देखेंगे शून्य से शिखर का सातवां भाग। अगर आपको मैथ नहीं आती है, कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बस हौसला बना के रखना, जुनून आपका जो है वो बना रहना चाहिए। आपको मैथ बिल्कुल आएगी, एकदम जीरो से लेकर के टॉप लेवल तक आएगी। आप अपना एग्ज़ाम करेक्ट कर पाएंगे, अपना टारगेट पूरा कर पाएंगे, सब कुछ होगा। चाहे SSC का परीक्षा देना है, CTET, DLED, UPTET, UPSI, पुलिस कुछ भी देना है, चाहे जिस राज्य का देना है, चाहे जहाँ से, क्योंकि मैथ जो है चैप्टर हर जगह वही होता है। नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सब हर जगह होता है। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट हर जगह होता है, कोई बदलता नहीं है। ठीक है, बात समझ गए ना। आगे बढ़े फिर। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने का तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। तो जीतने का एक जिद बना के रखिएगा। एग्जाम्पल ऐसे समझ लो कि अगर आपको स्कूल जाना है, आपने जिद बना लिया कि मैं ज़रूर स्कूल जाऊंगा, बारिश भी हो रही, भले बहुत तेज़ हो रही, लेकिन आप छतरी लेके चले जाओगे। लेकिन अगर आपने हौसला नहीं बनाया, अरे यार बहुत बर्फ़ रहा है, कौन जाए, लफड़ा करे, फालतू भीगे, ठंडी लगे, तो फिर नहीं जा पाओगे। तो बस हौसला बना के रखो, सब कुछ हासिल होगा। दोस्तों, वर्गमूल को कहते हैं क्यूब रूट, घनमूल को कहते हैं क्यूब, है ना, क्यूब रूट ना, चलो इसको स्क्वायर रूट कहते हैं, इसको क्यूब रूट। तो देखिए, इसके पहले हमने आपको फैक्टर बताए थे। फैक्टर मीन्स गुणनखंड। जैसे ये मैंने लिख दिया नंबर 4 और ये ऐसे लिखा है ना, इसका मतलब ये है वर्गमूल, ये वर्गमूल का चिन्ह है, नंबर कुछ मत लिखो, और ये घनमूल का चिन्ह है, समझ गए ना, अंतर समझो। वर्गमूल का चिन्ह अगर कहीं लगा होगा तो इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा होगा, सिर्फ ऐसे डंडा बना होगा, बस जो भी है टेढ़ा मेढ़ा। इसमें भी ऐसे ही बना होगा, लेकिन अगर कहीं घनमूल का चिन्ह होगा तो इस पर 3 लिखा होना ज़रूरी है। अगर 3 नहीं लिखा तो मतलब उसका घनमूल नहीं निकालना है, हाँ, या फिर इसके बगल में लिखा होगा का घनमूल निकालिए, लेकिन फिर भी इस पर 3 लिखा होना ज़रूरी है, तभी शुद्ध माना जाता है। बाकी कुछ स्कूलों में या कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं अंडर रूट, जैसे 8 इसके बाद का घनमूल बताइए, तो भी लोग कर लेते हैं, लेकिन अगर उस पर 3 लिखा होता है तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। मेन उसका जो मतलब सही तरीका वही है। देखिए, किसी भी संख्या का अगर हमें वर्गमूल निकालना है या घनमूल निकालना है तो पहले उसका फैक्टर करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे मैंने लिखा 4, तो पहले हम क्या करते हैं साथियों, 4 का फैक्टर करते हैं। जैसे 2 × 2 है ना, 4 होता है, और फिर 2 का डिवाइड करोगे ये 1। इसको मैं फैक्टर मैं पढ़ाया हूँ पार्ट नंबर 4 या 3 या 5 में, जो भी है देख लेना पिछला क्लास, डिस्क्रिप्शन में देखो, लिंक मिल जाएगा, ठीक है, ओके। और नहीं मिलेगा तो कमेंट करना। तो साथियों, होता क्या है, जब इसको हम ऐसे बना लेते हैं, उसके बाद उस नंबर को लिख करके उसके फैक्टर को उसके सामने लिखते हैं, उसके बाद हमको क्या करना है, हमको निकालना है वर्गमूल। इसमें दो दो डिजिट का पेयर बनाते हैं, क्या करते हैं, पेयर, जोड़ा नहीं बोलना, जोड़ा तो इंसानों में होता है, जोड़ी बनती है ना, यहाँ जोड़ी नहीं बनाना है, यहाँ पेयर बनाते हैं। तो जब ये पेयर बन जाएगा तो क्या होगा, इस पेयर से एक नंबर बाहर निकलेगा और वही क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। ये 1 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 का वर्गमूल, घनमूल, जो कुछ भी करो, ये सार्वजनिक बिरादरी में रहता है, 1 ही आएगा, तो इससे कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन अगर 1 की जगह कोई और नंबर छूट रहा है तो फिर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, कदापि नहीं होगा, समझ गए ना। तो ये एक छोटा सा डेमो था वर्गमूल का। घनमूल का देख लो साइड में, देखो 4 का घनमूल निकालोगे तो नहीं निकलेगा। मैं इसी की अगर बात करूँ घनमूल का, तो ये नहीं निकलेगा, क्योंकि घनमूल के लिए, क्यूब रूट के लिए हमेशा 3-3 का पेयर बनना जरूरी है, महत्वपूर्ण है, मतलब नेसेसरी है, ठीक। चलो, तो इसमें मान लो हमने लिख लिया 8। अब 8 के आप फैक्टर करोगे, फैक्टर करना आप सभी सीख चुके हो, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, और ये 2 × 1 = 2, ओके, अंडरस्टूड ना। चलो, इसमें 3-3 का पेयर बनाएंगे। आप कहोगे 1 तो छोड़ दिए, 1 ले लो तब भी कोई मतलब नहीं, उसको छोड़ ही दो तो अच्छा है। तो ये क्या होगा, 2-2 का 1 ही पेयर बना है ना, 1 से अधिक तो नहीं बना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आप ऐसे लिख सकते हो √8 = 2। ये होता है वर्गमूल और घनमूल का बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से। चलो आगे बढ़े, जल्दी लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, और वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि आप हर दिन पढ़ाई कर सकें, और बेल आइकन जरूर ऑन करना, नहीं तो क्लास नहीं मिलती फिर भाई।
अब इसमें बहुत ही ध्यान से समझिए, थोड़ा सा मैंने बड़ा नंबर लिया है, 144 का स्क्वायर रूट करना है यानी कि वर्गमूल करना है, और 512 यानी कि 512 का क्या करना है, घनमूल करना है, क्यूब रूट करना है। बहुत ही ध्यान से समझना साथियों। सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर आपको पहले सिखा चुका हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। फैक्टर करने के बाद हमें कुछ ऐसे ही नंबर प्राप्त हो जाएंगे, उसके बाद क्या करते हैं, वैसे तरीका तो ये है कि इसको नीचे लिखा जाता है, जो भी फैक्टर आते हैं नीचे। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना, ठीक है, बहुत अच्छे। तो भैया इसको हम क्या करेंगे, ऐसे चिन्ह लगा के 144 का इसके आगे इन नंबरों को लिखेंगे। 2 देखो यहाँ 4 टाइम आया है, कितनी टाइम आया है, 4 टाइम मतलब 4 बार आया है। वहीं 3 कितना बार आया है, सिर्फ 2 बार आया है। इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, इसके 2 के पेयर बनाएंगे ये, और एक एक पेयर से एक एक नंबर चुन लेंगे। इसमें से 1 निकल जाएगा, इसमें से 1 और इसमें से 3, तो 2 × 4 = 12। ये सब का मल्टीपल कर लेंगे, वही क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो इस तरह से आपने वर्गमूल को सीख लिया। अगर हम बात करते हैं घनमूल की, जो साइड में मैंने देखो फैक्टर किए हैं, अब इसको मैं थोड़ा सा हटा दूं चाहे तो, लेकिन आप लोग लिख लो, नहीं हटाऊंगा, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हूँ ऐसे आप 512 लिख करके इसके नीचे ऐसे पूरा सब कुछ करोगे। सब कुछ करने के बाद ऐसे पेयर भी बनाओगे, जैसे अभी दिखाया था पिछले सवाल में। उसके बाद उसमें एक अंतर होगा, पेयर आप 3 का बनाओगे, 2 का नहीं बनाओगे, बस इतना अंतर करना है। तो यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ डायरेक्ट, देखो इसमें रेड से मैं दिखाता हूँ, इसमें 3 डिजिट का पेयर बनाओगे चूँकि ये घन मूल है। ओके, ये देखो 3 का पेयर बनाओगे, तो संयोग बस इसमें 3 पेयर बन गए, और एक एक पेयर से एक एक नंबर निकलेगा, इसमें से एक, इसमें से एक, सब में से एक एक निकलेगा। सबका गुणा कर लो, 2 × 4 × 8 कितना होगा, 8, समझ गए ना। तो इसको नोट कर लो फटाफट, जल्दी करिए जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सकें। इतना हो गया ना, कोई अगर सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क हैं, थोड़ा टफ हैं, आप इनका फैक्टर करना अगर जानते हैं तो आराम से कर लेंगे। इनका वर्गमूल करना, इनका घनमूल करना, करके इसी वीडियो में कमेंट करना, ठीक है, बात समझ में आई ना। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट मैथ आप जल्दी से जल्दी सीख जाएं, आपके पास कम समय है, तो आप हमारी प्रीमियम क्लास ज्वाइन कर लें। प्रीमियम क्लास में आपको लाइव क्लास, वीडियो क्लास, अनलिमिटेड वॉचिंग मिलेगा, मतलब 10-20 मिनट जो यहाँ यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, इस तरह से आप चाहो तो 2-3 घंटे भी पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए ज्वाइन प्रीमियम लिख करके आपको इस व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, जिसके लिए आपको शुल्क पेमेंट करना होगा। अगर आपको उसको नहीं करना तो मैसेज मत करिए, आप सब्सक्राइब करके रखिए, और यूट्यूब पे ऐसे ही हम वीडियो डालते रहेंगे छोटा छोटा, आप धीरे धीरे सीखते रहिए, ठीक है। हाँ, अगर आपको पेमेंट करके मतलब कोर्स को ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट करके बताइए। आपसे आपको वीडियो का शेड्यूल थोड़ा बदल गया है, चूँकि अभी तक आपको हर दिन वीडियो मिलता था, अब हमारी कोशिश होगी आपको लॉन्ग वीडियो सप्ताह में 3 मिलेगा, बाकी हर दिन आपको छोटे छोटे वीडियो मिलेंगे, ठीक है। लॉन्ग वीडियो भी आपको मिलेगा, हमारी यही कोशिश होगी, तो वो हम जल्दी ही डिसाइड कर देंगे, जिसमें से 3 हो जाएगा मंडे, थर्सडे, ठीक है, और सैटरडे। ये 3 आपको वीडियो मिल सकता है, समझ गए ना। यानी सोमवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को आपको वीडियो मिलेंगे। तो मिलते हैं फिलहाल नेक्स्ट क्लास में, आप सभी अपने विचारों को जरूर लिखिएगा। जय हिंद दोस्तों, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे जितना ज़्यादा व्यू आएंगे तो हमारी कोशिश होगी बड़ी से बड़ी क्लास आपको यूट्यूब पे देंगे। लेकिन भैया व्यू नहीं हो रहा यार, 1000 लोग भी मुश्किल से देख रहे हैं, वो भी एक हफ्ता में, तो फिर क्या मतलब है। SSC वाला पढ़ाना ज़्यादा बेहतर है।